सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी। तो मैं हाँ जज सिंह चहल। अज के पंजाबी प्राइम टाइम में तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम में गल करांगे करोना के अंकड़ियां दी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्राइवेट हस्पतालों नूं तिखी चेतावनी दित्ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं अपील कीती है। आप पंजाब के प्रधान भगवंत मान ने क्यों मोदी नूं एक चिट्ठी लिखी है अते लॉकडाउन दीआं हदायतां जिस विच ठेके खुले ने उसका लगातार विरोध हुंदा दिखाई दिंदा है। आम आदमी पार्टी ने सुखबीर सिंह बादल का भी मजाक उड़ाया है। सारा कुछ तुहानूं दसदे आ, पर सब तो पहला करोना के अंकड़ियां तो शुरुआत करदे आ। पूरी दुनिया के विच हुण तक 78,08,773 केस सामने आ चुके ने, जिन्हां विचों 37,21,731 ठीक भी हो चुके ने। मौतां दा अंकड़ा 4,30,542 तक पहुँच चुकिया है। हुण आउने आ अपने देश भारत दे वल, जिथे रोज़ाना नवा ही रिकॉर्ड बन जांदा है। 3,20,922 तक टोटल अंकड़ा पहुँच चुकिया है। ठीक होयां दी गिणती 1,62,379 हो चुकी है। मौतां दा अंकड़ा 10,000 वल नूं वध रिहा है। 91,95 मौतां भारत दे विच करोना वायरस दे करके हो चुकियां ने। गल करिए पिछले 24 घंटियां दी तां भारत दे विच 11,929 नवे केस सामने आए ने, जो कि हुण तक दे सब तो ज़्यादा केस ने 24 घंटियां दे विच। मौतां पिछले 24 घंटियां विच 311 हो चुकियां ने। चिंतावां लगातार भारत सरकार दीआं वधदीआं दिखाई दिंदियां ने, क्योंकि अनलॉक का ऐलान कर दिता गया है अते केस लगातार वधदे जांदे ने। हुण आउने आ अपने सूबे पंजाब दे वल। चंगी खबर कोई पंजाब वल्लों भी नहीं आ रही है। टोटल अंकड़ा पंजाब दा पहुँच गया है 3140 तक। 2356 ठीक हो चुके ने। पंजाब दे विच 717 इस वेले एक्टिव केस ने। 67 लोगों की मौत पंजाब दे विच करोना वायरस के करके हो चुकी है। पिछले 24 घंटियां दे विच सरकारी अंकड़े के मुताबिक 77 नवे केस सामने आ चुके ने, जिन्हां विचों अमृतसर तो 13 केस आए ने, मोहाली तो 10, संगरूर तो 5, तरन तारण तो 2, जलंधर तो 1, रोपड़ तो 1, पठानकोट तो 5, फतेहगढ़ साहब तो 2, मोगा तो 1, लुधियाना तो 22, पटियाला तो 10, गुरदासपुर तो 2, श्री मुक्तसर साहब तो 1, हुशियारपुर तो 2 नवे केस सामने आए ने। पिछले 24 घंटे में 29 करोना मरीज़ पंजाब विचों ठीक हुए ने। मौतां 3 होईयां ने। पठानकोट तो 1 मौत हुई है अते 2 मौतां संगरूर तो होईयां ने। तुसीं अपनी स्क्रीन ते जिलावार एक्टिव केस भी देख सकते हो कि किस जिले दे विच किन्ने केस इस वेले एक्टिव बने हुए ने। टोटल गिणती 3140 हो चुकी है। 717 केस इस वेले पंजाब विच एक्टिव ने। 2356 ठीक हो चुके ने। 67 मौतां पंजाब दे विच करोना वायरस दे करके हो चुकियां ने। इस तरह हालात पंजाब दे विच भी काबू दे विच नहीं हैगे। अगली खबर दे वल वधदे हां, जो कि करोना दे नाल ही जुड़ी हुई है। पंजाब दे विच बहुत सारियां अजिहियां शिकायतां आ रहियां ने, जिन्हां दे विच कहा जा रहा है कि प्राइवेट होस्पिटल करोना दा इलाज करन दे लई हद्दों वध पैसे वसूलन विच लगे हुए ने। अज पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक तिखी चेतावनी इन्हां हस्पतालां दे लई जारी कर दित्ती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दा कहना है कि जेकर इन्हां ने महामारी दे विच भी लोकां नूं लुट्टण दी कोशिश कीती तां इन्हां दे सरकार वालों लाइसेंस रद्द कर दिते जाणगे। नाल ही कैप्टन सरकार दे वालों यह भी ऐलान किया गया है कि हुण कुछ कु दिनां दे विच ही पंजाब दे विच करोना दा खर्चा, करोना दे इलाज दा खर्चा तय कर दिता जाएगा। हस्पताल भावें प्राइवेट होवे भावें सरकारी होवे, जो तय खर्चा किया जाएगा उस तो वध कोई भी हस्पताल किसी भी मरीज़ तो नहीं वसूल सकेगा। जे तुहानू इस बारे थोड़ी जी जानकारी देिए, लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस ने यह मंग खर्चा तय करन दी मंग उदों ही कर दित्ती सी जदों करोना की शुरुआत अजे पंजाब दे विच हुई ही सी। उदों एक मसला आया सी, जलंधर की एक औरत सी लुधियाना के प्राइवेट होस्पिटल दे विच दाखल सी, 5,80,000 तो वध दा बिल बन गया सी। उदों यह मसला उठाया सी कि प्राइवेट होस्पिटल बहुत ज़्यादा खर्चा वसूल कर रहे ने। उदों मंग की गई सी कि सरकार नूं खर्चा तय कर देना चाहिए, पर सरकार लगता है कि हुण जागी है। पर बयान दे विच अजे भी
यही कहा गया है कि कुछ दिन तक खर्चा तय किया जाएगा, पर अजे तक खर्चा तय नहीं किया गया है। लोगों की लुट बहुत ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि 3 महीने के करीब समा हो चलिया है कोरोना नूं पंजाब विच दस्तक दित्या अते अजे तक सरकार ने यह काम नहीं किया। फिलहाल हुण ऐलान किया है, देखते हैं कि कदों सरकार इस ते अमल करती है, खर्चा तय करती है। पर सरकार दीयां नीतियां दी पोल खोलदी अगली खबर भी है जो कि इसे दे नाल ही मैडिकल दे नाल ही जुड़ी हुई है, मैडिकल विभाग दे नाल ही जुड़ी हुई है। पटियाला दे सरकारी रजिंद्रा हस्पताल बारे तो तुसी जानते ही होवोगे अते उत्थों दीयां नर्सां जो ठेके ते कम करदियां ने उन्हां बारे भी तुहानूं जरूर पता होएगा क्योंकि उन्हां नूं लैके बहुत सारियां खबरां आउंदियां ही रहिंदियां ने। ठेके ते कम करदियां ने नर्सां बहुत सालां तों मंग कीती जा रही है कि सानूं पक्के करो। सरकारां कई बदल गईयां, वादे बहुत कीते गए पर उन्हां नूं अजे तक पक्के नहीं कीता गया। उन्हां दे विच्चों ही एक नर्स दी फोटो अज सोशल मीडिया ते खूब वायरल हो रही है क्योंकि उन्हां विच्चों ही जो ठेके ते काम करदियां ने उन्हां विच्चों एक नर्स नूं कोरोना हो गया है, कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। उस तों बाद उस दे बयान ने सारे लोगों के हिरदे झंझोड़ के रख दिते ने। उस नर्स ने बयान दिता है कि सरकार तक मेरी गल पहुँचा दिओ कि जां तां मेरे मरण तों पहलां जां फिर मेरे मरण तों बाद मैनूं पक्कियां जरूर कर दिओ तां जो मेरे घर वालियां नूं मेरे काम की अहमियत का पता लग सके। मेरे जिउंदे जी जेकर सरकार मैनू पक्या नहीं करती तो जो मैं मर जावांगी उदों ही मैनू पक्या कर दिता जाए। सरकार नू लानत पाई है एक हिसाब दे नाल इस नर्स ने यह बयान दे के। पर इस फोटो दे विच जो तुसी इस नर्स दे नाल पीपीई किटां पाए डॉक्टर देख रहे हो ये नर्सां दियां भाईवाल उस दियां दोस्तां ही हन। क्या यह भी जा रहा है कि हस्पताल दे वल्लों ये जो नर्सां दियां दोस्तां ने इन्हां ने मिलन की इच्छा जाहिर की अते खबरां दे अनुसार हस्पताल दे वल्लों इन्हां नर्सां नू पीपीई किटां भी मुहैया नहीं करवाईआं गईआं। किसे तरह इन्हां ने जुगाड़ किया किटां अते फिर अपनी सहेली नर्स नूं जाके ए मिलियां अते सहेलियां नूं ही इस नर्स ने यह गल दसी कि सरकार तक मेरा यह सुनेहा पहुँचा दिओ। जेकर तुहानूं जानकारी दईए इन्हां ठेके ते काम करदियां नर्सां दी तां इह उही नर्सां ने जिन्हां ने एक बार हस्पताल की छत तो छाल भी मारी सी। बहुत सारे धरने भी इन्हां वल्लों दित्ते गए ने। इन्हां नर्सां दा कहना है कि पटियाला तो इस वेले दे संसद मैंबर महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह दी महाराणी परनीत कौर ने इन्हां दे नाल थले बैठ के फर्श ते बैठ के धरना दिता सी जदों अकाली दल दी सरकार सी अते वादा कीता सी कि जेकर साडी सरकार आउंदी है असी सरकार आउंदिया ही तुहानूं पक्के कर देंगे। पर हुण इस दा घरवाला भाव परनीत कौर दा घरवाला मुख्यमंत्री है अते महाराणी परनीत कौर खुद संसद मैंबर ने पटियाला तो, पर फिर भी अजे तक इन्हां नूं पक्कियां नहीं कीता गया अते ना ही पक्के होण दा कोई तरवासा भी दिता गया है। इस तरह जो साडा मैडिकल सेहत विभाग है उस दी पोल खुल्लदी, सरकारां दी पोल खुल्लदी दिखाई दिंदी है। अगली खबर दे वल वधदे आं। पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं अपील की गई है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है जिस दे तहत पंजाब नूं कणक अते दालां लोड़वंदां नूं देण दे लई भेजियां गईआं ने उस स्कीम नूं 6 महीने होर वधा देना चाहिए है, भाव पंजाब नूं 6 महीने होर इस योजना का लाभ दिता जाना चाहिए है। 6 महीने होर कणक अते दाल पंजाब विच भेजी जानी चाहिए है तां जो गरीबां अते लोड़वंदां नूं उन्हां दा पेट भरिया जा सके, उन्हां नूं दाल अते कणक वंडी जा सके। पर दाल अते कणक नूं लैके पंजाब दी सियासत दे विच जो कुछ भी होया है वह सारयां दे सामने है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वल्लों लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार ते यह आरोप लाए जा रहे हैं कि लोड़वंदां तक गरीबां तक यह दाल अते कणक तां पहुंची ही नहीं। केंद्रीय खुराक मंत्री नूं भी ट्वीट करके कहना पिया सी कि कैप्टन सरकार ने अजे तक साडे वल्लों भेजा गया राशन नहीं वंडिया, वंडिया जाना चाहिए है, अजे तक 1% ही वंडिया है। उस तों बाद जेकर वंडिया तां आम आदमी पार्टी ने मुद्दा चुक दिता कि जो भी राशन भेजा गया है दालां अते कणक भेजी गई है वह सही नहीं, इंसानां दे खाण वाली नहीं है। पर पंजाब दे मुख्यमंत्री ने 6 महीने होर उही राशन मंगवाउण दी अपील की है जिहड़ा कि पहलां ही पंजाब दे लोड़वंदां तक नहीं पहुंचिया। अजे इल्जाम कैप्टन सरकार ते लग रहे ने, इल्जाम तां होर भी लगदे ने। अगली खबर दे वल वध रहे हां जो कि इसे दे नाल ही जुड़ी हुई है। पंजाब दे विच लगभग सारे पंजाब तों अजिहियां खबरां आ रहियां ने कि जो भी राशन केंद्र सरकार वल्लों भेजा
ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਜੋ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਚੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਪਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਸ਼ਨੀ, ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਖ਼ਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅੱਜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਆਪ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ DC ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਗਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਹੈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਰ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। LOP ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਸ਼ੇਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਸੂਤੇ ਫਸਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ MSP ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ
कुर्सी तो बिना कुछ भी नहीं दिसदा। आम आदमी पार्टी नूं इदां नहीं लगदा कि सुखबीर सिंह बादल कोई भी कुरबानी दे सकदे ने, क्योंकि आप दे अनुसार उह तां हरसिमरत कौर बादल दी कुर्सी दी कुरबानी नहीं दे सकदे, होर कोई कुरबानी उहनां ने किवें देनी है। इस तरह सुखबीर सिंह बादल दे बयान दा मजाक भी इत्थे आम आदमी पार्टी ने उड़ा दिता है। इसे नूं लै के ही आम आदमी पार्टी पंजाब दे प्रधान भगवंत मान ने भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं एक चिट्ठी लिखी है, जिस दे विच सीधे तौर पर मंग की गई है कि ये ऑर्डिनेंस किसान दे खिलाफ ने, इस करके इन्हां ऑर्डिनेंसां नूं केंद्र सरकार वालों वापस लिया जाना चाहिए है। वधदे आ अगली खबर दे वल, जो कि श्रोमणी अकाली दल दे नाल ही जुड़ी हुई है। कल खबरां आईयां, परमिंदर सिंह ढींडसा दा बयान आया, जिस दा मतलब ये कढ़िया गया कि आने वाले दिनों दे विच ढींडसा प्यो पुत भाजपा दे विच शामिल हो सकते हैं। पर अज ढींडसा प्यो पुत दा नवा बयान सामने आ गया है। उन्होंने अजिही किसी भी गल तो इनकार कर दिता है। वो तो कहिंदे ने सुखदेव सिंह ढींडसा अते परमिंदर सिंह ढींडसा दोवें कहिंदे ने कि भाजपा विच जाण दा सवाल ही पैदा नहीं हुंदा, असीं तां पंजाब दे विच अपना एक नवा मोर्चा खड़ा कर रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल नूं असली श्रोमणी अकाली दल साडा ही है, इस करके असीं उस श्रोमणी अकाली दल नूं खड़ा कर रहे हैं। वो कहिंदे ने कि यह सब विरोधियों दीआं चालां ने, क्योंकि पंजाब दे विच साडा आधार लगातार वधदा ही जांदा है, लीडर बहुत सारे साडे नाल जुड़ रहे हैं, अते आउण वाले दिनां दे विच वी असीं मोगा पटियाला अमृतसर दे विच वड्डे प्रोग्राम रखे हुए ने, जिन्हां दे विच वड्डे लीडर साडे नाल शामिल हो जाणगे। इस करके डर के विरोधियों दे वल्लों ये अफवाहां फैलाईआं जा रहीआं ने, तां जो साडे हमायतीआं दे विच भंबल भूसा क्रिएट हो सके कि इन्हां ने पता नहीं किहड़ी पार्टी विच चले जाणा है, पर असीं किते वी नहीं जावांगे। उह तां कहिंदे ने कि पहलां कहा गया कि असी आम आदमी पार्टी में जाने वाले हाँ, पर असी नहीं गए। हुण कहा जा रहा कि असी भाजपा चले हाँ, पर अजिहा कुछ भी नहीं है। इस तरह किसी भी पार्टी में जाने तो ढींडसिया ने इनकार कर दिता है। खबरां चर्चा के आईया सन कि भाजपा का कमल फट सकते ने ढींडसा प्यो पुत, पर इनकार कर दिता है दोवां ने। अगली खबर के वल वधदे हां, जिसनों के अज की पॉजिटिव खबर हाँ पक्की खबर क्या जा सकता है। धीआं पुत्तां दे नालों घट नहीं हुंदियां, ये सुनिया तां सी, पर संगरूर दी एक धी अमनदीप कौर ने इस नूं साबित भी कर दिखाया है। लगातार 3-4 साल तो अपने पिता दे नाल खेतां दे विच अमनदीप कौर काम करवाउंदी है, अते हुण भी झोने का सीजन चल रहा है, इस करके अपने पिता दे नाल झोना लगवाउण दे विच मशरूफ है अमनदीप कौर। इस लड़की ने आइल्स क्लीयर की हुई है, क्योंकि अज पंजाब दे विच ये पूरी तरह रुचि चल रही है, रुझान चल रहा नौजवानों दे विच कि आइल्स करके किसी होर देश दे विच चले जाना है, पंजाब दे विच नहीं रहना। इस लड़की ने आइल्स की हुई है, अप्लाई भी बाहर जाने लई कीता सी, ऑफर लैटर भी आ गया सी, पर अपनी पिता की जरूरत नूं देखते हुए, खेतों में काम की जरूरत नूं देखते हुए बाहर जाना सही नहीं समझिया, क्योंकि इस लड़की का भरा चंडीगढ़ दे विच पढ़ता है, वो अपने पिता दे नाल खेतों में काम नहीं करवा सकता। इस करके लड़की ने बाहर जाने दे नालों खेतों में अपने पिता दे नाल काम करवाना सही समझिया है। इस लड़की का बयान सुनो जरा। मेरे पिता जी ने भी बहुत मैनू एंड बिल्कुल पुत्ता वांगू रखा है, पिंड वासियों भी यह गल पता सी, तो उन्होंने मैंने कदे नहीं वो किया है, तो मैंने समय की हौसला देते हैं कि हाँ भी तू जगर ती है, तू तो भी इन्ना काम कर दी हैगी। दूजे पासे इस लड़की दे पिता हरमिलाप सिंह भी काफ़ी खुश दिखाई देंदे ने, अते उन्हां नूं अपनी धी ते माण है। कहिंदे ने कि लोक तां गल्लां करदे रहिंदे ने, पर सानूं पता है कि साडी धी साडे पुत वांग असीं पाली है, अते मैं तां बाकियां नूं वी अपील करदा हाँ कि अपनियां धीआं नूं खुल दिओ। पिता दा बयान भी तुहानूं सुना दिंदे आ। बहुत वधिया लगदा है, मैं तां पंजाब दे लोकां नूं अपील करूंगा भी कुड़ियां नूं नाल रख्या करो, अगे जिहड़ा खेतीबाड़ी अगे भी जिमींदारां दीआं कुड़ियां खेती नाल करवाउंदियां तीआं जी, जिमींदारां दे नरमा कपाह हत्थी कम थी, हूँ कम घट गए थोड़े जी, मशीनरी का युग आ गया, वो गुड़ियां लोग घरों नहीं कढ़ते। मैं कहना भी उन्होंने समा बाहर कढ़ो, वो समा अगे नो स्ट्रोंग होणगियां, हौसले बदनगे उन्होंने, उन्होंने चंगा पता लगू भी खेतीबाड़ी अगे वाले जिहड़ियां गुड़ियां ते उन्होंने सारा पता हुंदा सी भी किवें सिलाई कढ़ाई का जो भी कम थी, हूँ अज वाली गुड़ियां नूं कुछ पता ही नहीं है। असीं तां तां नाल रखदे हां जी भी इहनूं पता लगे भी आने वाले बच्चों नूं भी किवें खेतीबाड़ी हुंदी है जां किस तरह। इस तरह इस लड़की ने आइल्स करके भी बाहर ना जाने का रस्ता चुन के अपने पिता दे नाल खेतां विच काम करवाउण दा रस्ता चुन के पंजाब दे विच एक नवी मिसाल कायम
कर दी है। हुण वारी आउंदी है तुहाडे कमेंट्स का जवाब देण दी। सब तो ज़्यादा कमेंट्स विच ये पूछा जा रहा है कि स्कूल अते कॉलेज कदों खुलणगे। इसका जवाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद अपनी जुबानी दे दिता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कहिंदे ने कि कॉलेजां बारे पंजाब सरकार कोई भी फैसला नहीं लै सकती है। इन्ना तो पता है कि 30 जून तक कॉलेज पंजाब दे विच नहीं खुलणगे। 1 जुलाई नूं केंद्र सरकार ने कोई ना कोई फैसला कॉलेज खुलण जां फिर ना खुलण बारे लैणा है। उस तो बाद ही पता लग सकेगा कि पंजाब दे विच कॉलेज खुलदे ने जां फिर नहीं खुलदे। अजिहा ही हाल यूनिवर्सिटियां दा भी है, वह भी फैसला केंद्र सरकार ने ही लैणा है अते केंद्र सरकार दे फैसले ते ही निर्भर करेगा कि कॉलेजां अते यूनिवर्सिटियां दे पेपर कदों अते किवें होणगे। सारियां हदायतां केंद्र सरकार वल्लों जारी कीतियां जाणगियां। जेकर सूबा सरकारां नूं अधिकार दित्ते गए कि तुसीं डिसाइड करो कि किवें करना है, तां उसे दे आधार ते ही पंजाब सरकार भी कोई रणनीति बनाएगी। पर स्कूलां नूं लै के अजे कोई भी विचार पंजाब सरकार नहीं कर रही है, क्योंकि स्कूलों के बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों लैके कोई भी रिस्क पंजाब सरकार नहीं लेना चाहती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले भी कह चुके हैं कि जिन्नी देर तक कोरोना से ठल पाने का कोई जरिया कोई तरीका नहीं लभ लिया जाता, उन्नी देर तक पंजाब सरकार स्कूल खोलने बारे नहीं सोच सकती है। सो ये सन कुछ वो खबर जो थोड़े तक पहुँचा बहुत जरूरी सन। इन खबरों में किसी खबर बारे या फिर पंजाबी प्राइम टाइम बारे थोड़ी कोई भी राय या सुझाव है तो कमेंट करके अपनी राय या सुझाव तुसी दे सकते हो। जेकर तुसी अजे तक द पंजाब टीवी दे चैनल नू यूट्यूब ते सबसक्राइब नहीं किया तो इसे हमने सबसक्राइब कर लो। जेकर ये पंजाबी प्राइम टाइम तुसी फेसबुक ते देख रहे हो तो फेसबुक ते साडा पेज लाइक कर लो। मैं जज सिंह चाहल अगली बार फिर हाजिर होवांगा। तुसी देखते रहो द पंजाब टीवी, हर खबर दा सच।